नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सहरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और सहरसा में इस बार जहां दिग्गज पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, वहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो चुनावी मैदान में उतर गए हैं आम जनता के सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से। और इनका मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में बदलाव की बयार बहने वाली है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि मुख्यतः दो धरा यह चुनाव लड़ेगी और उन्हें ही विजयश्री मिल सकता है, ये सीधे इस बात से नकार रहे हैं। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही नेता, हमारे साथ सियाराम पासवान जी हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और इनका सिंबल है टेम्पू छाप। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सहरसा की जो स्थिति है, खास तौर पर ये देखा जाता है कि ये टेम्पू के लिए ही सड़कें बनी हो और टेम्पू ही यहाँ से गुजर सकती हो। आप अपनी गाड़ी से अगर यहाँ पर जाना आना चाहेंगे, छोटी गाड़ी है तो काफ़ी परेशानी और मशक्कत करनी पड़ती है। सहरसा की इस दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं सियाराम जी? स्वागत के साथ। नमस्कार। देखिए, हमारे सहरसा विधानसभा में हर इंसान का हर पहलू यही है कि हमारे सड़क अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जनता, हमारे युवक नौजवान है, हर आदमी का सोच यही कि हमारे विकास की ओर हो। हमको तो नहीं कहीं लगता है कि विकास हुआ है, और जो विकास कुछ हुआ है तो सिर्फ कागज़ में हुआ है। और हम जहाँ जहाँ क्षेत्र घूम रहे हैं सहरसा विधानसभा में, हर जगह देख रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 25 साल 30 साल जो पहले थे, अभी भी वही है। और हम एक एक दलित परिवार में घर में जाकर मिलते हैं। 14 प्रत्याशी के साथ चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, इन 14 प्रत्याशियों में क्यों आपको वोट दे है कि जनता? क्या आप में नया है, क्या क्रिएटिविटी है, या क्या किया है आपने सहरसा? देखिए, हमारे जनता जो है सबको देख चुका है, और हमारे जो समाज में है सब बदलाव चाहते हैं सब, सभी आदमी बदलाव की मतलब यही है कि हर आदमी का, जितने भी हमारे सुझाव की देर है जनता जनार्दन, उनको हम मतदाता को भगवान मानते हैं। और दूसरी बात है कि हमें इस मैदान में उतरने के, आज तक हमारे दलित परिवार में, समाज में हमने सबका मान सम्मान किया है, करते आ रहे हैं, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए जो कि हमारे दलित परिवार में कोई इसका स्वागत हो और हर जगह सम्मान मिले। ग्रामीण और क्षेत्रीय दल के नेता माने जाते हैं, और जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका नाम शायद सियाराम चौकी है और आप ही के नाम पे है, तो क्यों है? क्योंकि समाज में हमने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हर से मिलजुल रहे हैं, हर जगह दुख सुख में खड़े होते हैं, ठीक है ना सर, इसलिए इस जगह का नाम सियाराम चौक। काफ़ी पॉपुलैरिटी है आपकी, और हमने ये देखा है कि इस बार सहरसा में कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनकी एक पर्सनल छवि भी है। बात अगर किया जाए तो यहाँ से आरजेडी से आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद जी चुनावी मैदान में हैं, और भाजपा से जो एनडीए का गठबंधन है आलोक रंजन है। तो इन दिग्गज नेताओं के बीच किशोर कुमार मुन्ना चुनावी मैदान में है, रंजीत यादव है, तो ये लोग कहीं ना कहीं फैसला लेने वाले नेता माने जाते हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में सियाराम जी की क्या कुछ पॉपुलैरिटी है, और सियाराम जी को ही क्यों यहाँ की जनता चुने, ये सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे। चुनाव में उतर जाना और उसके बाद अपनी एक मुहिम आप लोगों की लगातार चल रही है, लगातार अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगे, क्या जनता आशीर्वाद देगी? जनता को बदलाव चाहिए, और जनता बदल चुकी है। जो पहले जनता थी सबको देख चुकी है संदा, आप ये चाहती है कि नया युवक, नया गरीब तख्ते का लोग हो जो कि हर मान सम्मान हर जाति मिले, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे छोट लोग जो है। ये कार्यालय आप ही का है? जी सर। जी, तो देखिए कार्यालय भी एक बार दिखाइए भाई, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कार्यालय दिखाए, और तमाम लोगों से मिलना जुलना इनका लगातार। चलिए कार्यालय के अंदर हम लोग चलते हैं, और बातचीत लगातार सियाराम जी से अभी होती रहेगी हमारी, और इनसे जानेंगे। एक सवाल और है, यहाँ जो सहरसा ज़िला है इसकी दुर्दशा आपने देखी है, हम भी देख रहे हैं लगातार, कोसी कमिश्नरी कहलाती है, कई ज़िलों का हेडक्वार्टर यानी कि, लेकिन फिर भी इसकी दुर्दशा के लिए कोई सुनिश्चित कदम जो है विकास की ओर नहीं उठाया गया। ऐसे में आप क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर चले हैं, क्या क्या मुद्दा बनाए हुए हैं, चुनावी स्टंट क्या है आपका? हम सहरसा विधानसभा को साफ सिटी तौर अंतर में बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी हमारे बंगाली बाज़ार हुआ रेलवे पुल के पीछे, अभी तक जो हमारे माँ बहन को अगर किसी को भी इमरजेंसी हो जाता है तो उनको 4 घंटा ही लग जाता है, 4 घंटे में दम तोड़ चुकती है। अगर कहीं बाहर निकलना हो,
फोर लाइन से बाहर निकलना हो, चाहे सामाजिक जो भी चौक चौराहे दुकानें बने हुए हैं, उन लोग का बेरोजगार है क्योंकि उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। हम कहते हैं अगर जो सुपरमार्केट बना हुआ है उसी लोग को बढ़िया से बनाए दिया जाए, और जितने भी वही सुपरमार्केट जो कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले यानी कि 5 से 6 साल पहले दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली में जिस तरह की मार्केट होती है वो बनाई गई थी, लेकिन अब उसकी दुर्दशा हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, उसकी दुर्दशा आप देख लीजिएगा तो किसी चौक चौराहे पर बने मार्केट से कम नहीं आपको नज़र आएगा, और उससे भी बदतर स्थिति है। बनी तो सारी चीज़ें, बनाए हमने नेता भी, चुना नेता भी गया, ऐसा है नहीं कि विधायक को चुना ही नहीं इसलिए डेवलपमेंट हुआ है, तो बार बार चुन रही है जनता, लेकिन जनता को हमेशा कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि छलावा किया गया है उसके साथ। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सहरसा की जनता से? देखिए, हम तो कई बार क्षेत्र घूम रहे हैं और घूमते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह देखते हैं जबकि हज़ारों की संख्या वहाँ पे बसे हुए दलित परिवार में, उनके पास कोई साधन नहीं है, नहीं गाड़ी है, नहीं घोड़ा है, नहीं कुछ है, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है क्योंकि कुछ लोग क्या उनका ज़मीन जायदाद है, उनके जाने आने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सड़क नहीं है, नहीं नक्शा में सड़क है और नहीं वैसे हकीकत में सड़क है, किसी आड़ पर जाके चल चल निकलते हैं लोग। उन लोगों का कहना एक ही है कि हम आज भी वही है जो पहले थे, कि उन्होंने पूछे उनसे, सभी माँ बहन से पूछे, बोले कि हमारे पेशेंट जो है जब माँ बहन की डिलीवरी होती है तो हम लोग खटिया पर टांग। दलित परिवार की आप बात कर रहे हैं क्या? सिर्फ दलित परिवार की राजनीति पासवान जी कर रहे हैं या कुछ और भी है? हमारे लिए कोई दलित परिवार, हमारे समाज में जो गरीब है वो हमारे दलित हुए, जो बड़े लोग बड़े छोटे की मतलब है, जो गरीब है चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी कास्ट हो वो जो गरीब है वो हमारे दलित परिवार में हुआ, क्योंकि बड़े का मतलब यही हुआ कि जो बड़े लोग संपन्न है ना, जो हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, तो हमारे एक समाज के एक सीधा संपर्क में है कि हम जो आज जो भी हम देखिए क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है, ज़्यादा गरीब नहीं है, सब में गरीब अमीर है, उनके लिए सुविधा दिया जाए, हर जगह जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क दिया जाए, जहाँ इंदिरा आवास नहीं इंदिरा आवास दिया जाए। अभी भी हमारे दलित परिवार में जो कि हर जात में, हम गए थे पिपरा सट गए थे, वहाँ पर यादव सब पूरे थे, सब बोले क्या कि देखिए हम लोग के बाहर जाने वाने रास्ता बहुत दिक्कत है, पुल का निर्माण नहीं है जो कि 10 किलोमीटर हमको घूम करना पड़ता है, तो हमने उनको बोले क्या है ऐसा क्यों हो, कल के पहले आए थे रोड बना हुआ था, हम देखे रोड बना हुआ था, सिर्फ पुलिया नहीं है, अगर वो बनता है तो कम से कम हमारे समाज में हर दलित का आदमी का, हर परिवार का, सबका सुखी संपत्ति वहाँ पर जा सकता है, आना जाना रहेगा। क्योंकि क्या संदेश देना चाहेंगे काफ़ी संक्षिप्त में इस चुनाव के लिए, इस बार किस तरह मतदान करें लोग, मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ कैसे उम्मीदवार को चुनें? हम तो यही कहेंगे मतदाता से, सभी मतदाता को, सब अपने घर से निकल के अपना सही मतदाता चुनाव आयोग में जो लड़ रहे हैं मैदान में उनको सही तरीक़े से चुने, जो नया है बदलाव रखे, बदल के किसी व्यक्ति को भी जो अच्छा लगे, इन हमें नहीं, जो अच्छा समाज को लगे उनको चुने। सियाराम जी से हम बात कर रहे थे और इनका स्पष्ट रूप से कहना है एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, ऐसा नहीं कि विधायक आपने चुन लिया और उनसे मिलने के लिए आप उनके दरवाजे पर महीनों का चक्कर लगाएं। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि दलित शब्द का जो इस्तेमाल हमने किया है वो गरीब और पिछड़ी जातियों के लिए किया है, जो गरीब है चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो या फिर यादव हो, जो गरीब है वो दलित है और उसे कहीं ना कहीं तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया है। साथ ही साथ सहरसा की लगातार हम जो स्थिति आपको और आकलन दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या सड़क है, इन सभी मामले में कहीं ना कहीं बिहार के अन्य जिलों से कोसी कमिश्नरी होने के बावजूद भी सहरसा पिछड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता इस बार किस उम्मीदवार की ओर अपना रुख स्पष्ट करती है, किसे यहाँ का विधायक बनाती है, स्पष्ट हो जाएगा 10 तारीख को। लगातार आप देखते रहिए, तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए मोबाइल न्यूज़ 24। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ अभिषेक कुमार।